हाय व्यूवर्स, उम्मीद है आपका रमज़ान ठीक जा रहा होगा। आज के एपिसोड में हम ये मनी प्लांट जो है इसकी ग्रोथ बेहतर करने के हवाले से और इसके जो पत्ते हैं उनमें शाइन लाने के लिए हम आपको एक बड़ा मज़े का टिप देने वाले हैं। ये देखिए, ये मेरे पास एक एलोवेरा का लीफ है। ये मैंने अभी इसको फ्रेश लीफ को मैंने कट किया था, तो इसको ऐसे हम इसको मज़ीद कट कर लेंगे पीसीस के अंदर, छोटे पीसीस के अंदर। तो ये बहुत मज़े का फर्टिलाइज़र है और ये कोई भी जो गार्डन लवर्स हैं उनके पास, आपको पता है कि ये एलोवेरा तो होता ही है, कोई और प्लांट हो या ना हो, एलोवेरा तो हर गार्डन का एक मस्ट चीज़ है। तो जिस तरह आप इसे अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं, इसी तरह जितने भी ये इंडोर प्लांट्स हैं, ख़ास तौर पे जो मनी प्लांट है वो इसको बहुत लाइक करता है। तो इसके लिए अभी हमने इसकी एक साइड हमने इसकी छील ली है, दूसरी साइड छीलने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसका जेल निकाल सकते हैं, फिर आप उसे ग्राइंड करें और मिक्सर जार में डालें और उसको आप वो करके इसका स्प्रे भी कर सकते हैं अगर आपका प्लांट बड़ा है। मेरा प्लांट अभी चूंकि छोटा है तो इसलिए मैं इसके एक एक पत्ते के ऊपर इस तरह से मैं इसको वो कर दूंगा, रब कर दूंगा। तो ये आप दोनों साइड्स जो हैं, बोथ साइड्स इसके ऊपर आप इसको रब कर दें, बहुत देर नहीं लगती, छोटा सा काम है। और ये काम जो है आप अपने प्लांट को हेल्दी रखने के लिए हर 15 दिन बाद कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त की कमी है तो आप एटलीस्ट इसको महीने में एक मर्तबा आप इसे ज़रूर कीजिए। आप देखेंगे कि ये ऐसा जादू है कि जो आपके पौधों को दिनों में हरा भरा कर देगा और इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। पत्ते इसके ऐसे शाइन करेंगे, चमकने लगेंगे और लश ग्रीन हो जाएंगे इसके पत्ते। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, मनी प्लांट के लिए, वो ये है कि कभी भी इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। ये डायरेक्ट सनलाइट में इसके पत्ते जल जाते हैं। अभी ये एक दिन पहले मैंने इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया था, बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा ये थोड़ी देर बारिश में नहा लेगा, लेकिन ये देखें इसके ये पत्ते इस तरह से जल गए। तो इसे डायरेक्ट सनलाइट में आप कभी भी ना रखें। अभी ये इंडोर रहेगा तो इसके पत्ते जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसके पत्ते इम्प्रूव हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे और ये नए लीव्स भी निकालेगा। थोड़ी सी इसकी जेल ऊपर वाली जो सरफेस है उसको रिमूव करते हैं और फिर इसी तरह दोबारा से इसके ऊपर इसको रब कर देते हैं। ये इसका नेचुरल फर्टिलाइज़र भी है इसके लीव्स के लिए, ये एक टॉनिक है और इसके साथ आपका मनी प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से और बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है। इसको डे लाइट की ज़रूरत होती है, ये हमेशा ध्यान में रखें। कोई भी इंडोर जो प्लांट है वो 100% इंडोर नहीं होता, उसे जो पार्शियल सनलाइट है वो उसे चाहिए होती है। पार्शियल सनलाइट हो जाए या डे लाइट हो जाए तो ये उसको चाहिए होती है। इस तरह इसको हल्के हल्के से रब कर लें और ये रब करते हुए थोड़ा इसको जेंटली करें, ये ध्यान में रखें कि कोई भी जो लीफ है वो इसकी ये रब करते हुए टूट ना जाए या डैमेज ना हो जाए। दूसरा, आजकल चूंकि मौसम बदल रहा है तो बदलते मौसम के साथ मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो भी पौधों के ऊपर हमलावर हो रही हैं। ये ध्यान में रखें कि कोई भी जो प्लांट है वो मुकम्मल तौर पर इंसेक्ट फ्री नहीं हो सकता, तो ख़ास तौर पे जो लीफ माइनर है, लीफ माइनर हमेशा नए निकलने वाले जो पत्ते होते हैं उनके अंदर ये अपने वो उसकी रगों में जो पौधे की छोटी छोटी शरियाने होती हैं उनमें ये पत्ते में घुस जाता है और वहाँ से ये अपनी खुराक लेता है और आस्ता आस्ता पत्तों को ये डैमेज करता चला जाता है। तो ये देखें, ये प्लांट का हमने इस तरह कंप्लीट कर लिया। ये एक इसका जो लीफ है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, तो इसे मैं एक शार्प नाइफ की मदद से इसे मैं कट कर देता हूँ। तो ये देखें, ये भी प्लांट आपका खुश है और चमक रहा है। तो जो बाकी थोड़ा बहुत जेल बचा है वो हम इसके पॉट में एज इट इज़ भी डाल सकते हैं, ये इसके लिए फर्टिलाइज़र का काम करेगा और पौधा जो है वो इसे लेके तो अपनी न्यूट्रिशन जो है वो प्रोड्यूस कर लेगा। एलोवेरा जेल जो है ये न्यूट्रिशियस होती है, बहुत ज़्यादा ना डालें आप, थोड़ी सी जो जेल है वो इस तरह इसके पॉट के अंदर भी डाल दें। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारा ये मनी प्लांट
की ग्रोथ का एपिसोड जो है ये भी पसंद आया होगा। हमने हमेशा ये हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए हम वो टिप्स लेके आएँ जो इजीली अवेलेबल हों, जो आप घर में आसानी से कर सकें, जिसके लिए आपको मार्केट से या बाज़ार से कोई ज़्यादा चीज़ें लेने की ज़रूरत पेश ना आए। तो ये प्लांट जो है इसे कुछ दिनों के बाद आपको दोबारा फिर दिखाएंगे एक नए एपिसोड में। आप देखें इसके पत्ते किस तरह शाइन करेंगे और इसके पत्ते हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।